प्रदेश में इन दिनों व्यापम फर्जीवाड़े मामले ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नाक में दम कर दिया है। इस फर्जीवाड़े में कई नेता सवालों के घेरे में आ गए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती का नाम भी अचानक उभर कर सामने आया है। रविवार को जब चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन करने आई उमा भारती से व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने चुप्पी साधी। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रविवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती दर्शन के लिए सीहोर गणेश मंदिर पहुंची थी। दर्शनों के बाद जब मीडिया ने व्यापम घोटाले मामले में उनका नाम सामने आने की बात या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कहा, तो इस सवाल को लेकर उनका कहना था कि मैं इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को जल्द ही बयान जारी किया जाएगा और तब सब कुछ सामने आ जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि व्यापम घोटाले की आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दामन पर आ रही है, इस सवाल के जवाब पर उमा भारती ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। शायद यदि उनकी चुप्पी टूट जाती तो सीहोर के गणेश मंदिर पर व्यापम घोटाले पर दिया गया बयान प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकता था। व्यापम घोटाला चले इस पर नैतिकता के आधार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बारे में मेरे को पता था और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका जवाब प्रेस विज्ञप्ति से ही ठीक रहेगा, क्योंकि ताकि आज जो मैं आई हूँ उस पर इसकी छाया नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो इसके बारे में दृष्टिकोण मैं दिसंबर में ही दे चुकी थी, और इसलिए जो भी उसमें है प्रेस विज्ञप्ति में है। आप सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए नितिन ठाकुर के साथ राजेश शर्मा की रिपोर्ट।